हम अपने अवचेतन मन में जो कुछ भी रोपते हैं और पुनरावृत्ति तथा भावना के साथ उसका पोषण करते हैं, तो वह एक दिन वास्तविकता बन जाता है। किसी सपने को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि उसे पूरा करने में समय लगेगा, समय वैसे भी बीत जाएगा। दुनिया का सबसे अजीब रहस्य यह है कि आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आपके चुने हुए क्षेत्र में प्रतिदिन एक घंटे का अध्ययन आपको 3 साल के भीतर अपने क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंचा देगा। 5 साल के भीतर आप एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ होंगे। 7 वर्षों में आप जो करते हैं उसमें आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक हो सकते हैं। आपकी दुनिया इस बात की जीवंत अभिव्यक्ति है कि आप किस तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह उसका इस्तेमाल कर रहे थे। सफल लोग बिना समस्याओं के लोग नहीं होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को हल करना सीख लिया है। लगातार बने रहने से आप विश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं। दृढ़ता ही विश्वास का दूसरा नाम है। यदि आपके पास विश्वास नहीं होता तो आप कभी भी टिके नहीं रहते। अपने जीवन के हर मिनट का आनंद लेना सीखें। अभी खुश रहो। भविष्य में अपने आप को खुश करने के लिए अपने से बाहर किसी चीज का इंतजार ना करें। सोचें कि जो समय आपको बिताना है वह वास्तव में कितना कीमती है। चाहे काम पर या अपने परिवार के साथ हर मिनट का आनंद और स्वाद लेना चाहिए। मुंह खोलने से पहले अपने कान खोलें, यह आपकी आंखों को चौंका सकता है। हम अपनी परिस्थितियों को हम पर शासन करने दे सकते हैं या हम अपने जीवन को भीतर से नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। तय करें कि आप किस बारे में सोचेंगे और किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप उस हद तक अपने जीवन के स्वामी हैं जिस हद तक आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी हम डरते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पर्याप्त नहीं जानते हैं। अगर हम पर्याप्त समझ गए होते तो हम कभी नहीं डरते। जो अंदर होता है वह हमेशा बाहर दिखाई देता है। लोगों के आपके लिए अच्छा होने की प्रतीक्षा करने का रवैया ना अपनाएं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ठंडे चूल्हे के सामने गर्मी का इंतजार ना करें। ईंधन डालें, पहले कार्य करें। ऊर्जा को खोलने वाली चाबी इच्छा है। यह लंबे और दिलचस्प जीवन की चाबी है। यदि हम अपने भीतर कोई प्रेरणा, कोई वास्तविक शक्ति निर्मित करने की अपेक्षा करते हैं तो हमें उत्साहित होना होगा। यही रहस्य है, दिलचस्प बनो। यदि आप दिलचस्प नहीं हो सकते तो चुप रहो। चुप रहने में कोई बुराई नहीं है। अचीवमेंट के लिए सिर्फ एक विजन काफी नहीं है, इसके लिए साहस, संकल्प और तप की आवश्यकता होती है। आपको बस इतना करना है कि उस बीज को अपने मन में बोना है, उसकी देखभाल करनी है, अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करना है और यह एक वास्तविकता बन जाएगी। एक महान दृष्टिकोण सफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि सफलता एक महान दृष्टिकोण का परिणाम है। सुरक्षा वह नहीं है जो बुद्धिमान व्यक्ति खोजता है, वह अवसर खोजता है। देखें कि बाकी सब क्या करते हैं, इसके विपरीत करें। बहुमत हमेशा गलत होता है। सफल लोग सपने देखने वाले होते हैं, जिन्होंने सपने को कल्पना के दायरे में रहने के लिए बहुत रोमांचक, बहुत महत्वपूर्ण पाया है। हर दिन, हर घंटे वे अपने सपने की सेवा में तब तक मेहनत करते हैं जब तक कि वे इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते और इसे अपने हाथों से छू नहीं पाते।
आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं इसके बारे में बहुत अधिक चिंता ना करें। इसे पूरी तरह से अपने से बड़ी शक्ति पर छोड़ दें। आपको बस यह जानना है कि आप कहां जा रहे हैं। उत्तर अपने आप आपके पास आएंगे और सही समय पर। कभी प्रतिस्पर्धा ना करें, सृजन करें। समस्याएं रचनात्मक दिमाग के लिए चुनौती हैं। समस्याओं के बिना सोचने का कोई कारण नहीं होगा। किसी चीज में सफल और उत्कृष्ट बनने के लिए हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे बेहतर तरीके से करने के तरीके खोजने की जरूरत है। सफलता पैसे कमाने का परिणाम नहीं है, पैसा कमाना सफलता का परिणाम है और सफलता हमारी सेवा के सीधे अनुपात में है। अधिकांश लोगों को यह बात उल्टी समझ में आती है। उनका मानना है कि यदि आप बहुत पैसा कमाते हैं तो आप सफल हैं। सच तो यह है कि आप सफल होने के बाद ही पैसा कमा सकते हैं। जब दिन बहुत छोटे होते हैं, संभावना है कि आप अपने सबसे अच्छे तरीके से जी रहे हैं। हर सुबह अपने आप से पूछें, आज मैं अपनी सेवा कैसे बढ़ा सकता हूं। लोग वही हैं जहां वे हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां वे वास्तव में होना चाहते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। आपको केवल योजना, रोड मैप और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए साहस की आवश्यकता है। यदि ईमानदारी का कोई अस्तित्व नहीं होता तो इसका आविष्कार करना पड़ता, क्योंकि यह अमीर बनने का सबसे पक्का तरीका है। अपनी मन की आंखों में खुद की कल्पना करें कि आपने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो अपने आप को उन चीजों को करते हुए देखें जो आप कर रहे होंगे। सफलता की आदत को प्राप्त करने के लिए आपको केवल सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्येक दिन के प्रत्येक छोटे कार्य में सफल होने की आवश्यकता है। दूसरों के प्रति हमारा नजरिया ही हमारे प्रति उनका नजरिया तय करता है। अगर दूसरी तरफ घास हरी है तो शायद इसकी बेहतर देखभाल हो रही है। सफलता सामान्य ज्ञान के सिद्धांतों के एक सेट पर टिके रहने की बात है। जिसमें कोई भी महारत हासिल कर सकता है। सफलता एक योग्य लक्ष्य या आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। रचनात्मकता हमारे उत्साह का स्वाभाविक विस्तार है। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। जीवन के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। भाग्य तब होता है जब तैयारी अवसर से मिलती है। अवसर हमारे चारों ओर है। आप तैयार हो? हमारा पर्यावरण, जिस दुनिया में हम रहते और काम करते हैं, वह हमारे नजरिए और उम्मीदों का आईना है। तुम जो सपना देखने की हिम्मत करते हो वो सपना देखो। तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, वो बने जो आप होना चाहते हो। लक्ष्य आपकी पसंद के गंतव्य को दर्शाते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक स्वयं धनवान नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों को धनवान नहीं बनाता। आप आज और कल, अगले महीने और अगले साल क्या सोचते हैं, आप अपने जीवन को ढालेंगे और अपना भविष्य निर्धारित करेंगे। आप अपने मन द्वारा निर्देशित हैं। विजुअलाइजेशन मनुष्य का भविष्य के लिए वाहन है। अच्छा, बुरा या उदासीन, यह सख्ती से हमारे नियंत्रण में है।
इससे पहले कि यह हमारे पास आए, हमें सफलता को प्रसारित करना चाहिए। हमें पहले मानसिक रूप से, दृष्टिकोण से वो व्यक्ति बनना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं। आप जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वह है यह मानना कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई है। एक कैरियर की प्रेरक शक्ति व्यक्ति से आनी चाहिए। याद रखें, नौकरियां कंपनी के स्वामित्व में हैं, आप अपने करियर के मालिक हैं। जीवन में वास्तव में जो कुछ भी सार्थक है वह हमें मुफ्त में मिलता है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी बुद्धि, परिवार और दोस्तों तथा देश के प्रति हमारा प्यार, ये सभी अमूल्य संपत्ति निशुल्क हैं। हमेशा खुशनुमा रवैया रखें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर सुगंधित गुलदस्ता है। आपके पुरस्कार आपके योगदान की सीमा से निर्धारित होंगे, जो कि दूसरों के लिए आपकी सेवा है। आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल एक महान विचार आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। आत्मदया एक ऐसा तेजाब है जो सुख में छेद कर देता है। आपका जीवन कैसे बदलता है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपका दृष्टिकोण उस जीवन को बेहतर या बदतर करता है। यदि आपके पास सफलता के लिए कोई अच्छा मॉडल नहीं है तो बस यह देखें कि बाकी सब क्या कर रहे हैं और इसके विपरीत करें। पूरे इतिहास में महान बुद्धिमान व्यक्ति और शिक्षक, दार्शनिक और पैगंबर कई अलग अलग चीजों पर एक दूसरे से असहमत रहे हैं, केवल इस एक बिंदु पर वे पूर्ण और सर्वसम्मत सहमति में हैं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आप किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसके बैंक बैलेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आप दो चीजें जानते हैं, वह कौन सी किताबें पढ़ता है और कौन से लोगों के साथ वह संबंध रखता है। हम में से प्रत्येक अपने दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर अपने जीवन का निर्माण करता है। जहां कहीं खतरा है वहां अवसर छिपा है। जब भी अवसर होता है वहां खतरा मंडराता है। दोनों अविभाज्य हैं, वे एक साथ चलते हैं। अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से घुलना मिलना अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आवश्यक कौशल है। इसके साथ कोई व्यक्ति क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। हमें लोगों की जरूरत है, हमें दूसरों के सहयोग की जरूरत है। हम अकेले बहुत कम कर सकते हैं। समय का प्रबंधन नहीं किया जा सकता, मैं केवल गतिविधियों का प्रबंधन करता हूं। हर रात मैं कागज के एक टुकड़े पर उन चीजों की एक सूची लिखता हूं जिन्हें मुझे अगले दिन पूरा करना है, और जब मैं उठता हूं मैं उन्हें करता हूं। एक अकेला विचार आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, जैसा कि उसने मेरा किया। एक अकेला विचार आपको अमीर बना सकता है, या यह आपको जीवन भर के लिए कैद में डाल सकता है। आपकी दुनिया और इसमें सब कुछ आपके प्रति आपके मानसिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको केवल एक उत्पाद या सेवा का उत्पादन करना होगा जो लोगों को आपके द्वारा ली जाने वाली कीमत से अधिक मूल्य प्रदान करे। आप कितने अमीर होंगे यह उन लोगों की संख्या से निर्धारित होगा जिन्हें आप उत्पाद या सेवा बेच सकते हैं। विचार मायावी, फिसलन भरी चीजें हैं। अपने बिस्तर के पास कागज का एक पैड और एक पेंसिल रखना सबसे अच्छा है, ताकि आप रात के दौरान उन्हें दूर जाने से पहले
छुरा मार सकें। दूसरों के बुरे और संक्रामक रवैये को ना पकड़ें। हम अपने अवचेतन मन में जो कुछ भी रोपते हैं और पुनरावृत्ति तथा भावना के साथ उसका पोषण करते हैं तो वह एक दिन वास्तविकता बन जाता है। किसी सपने को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि उसे पूरा करने में समय लगेगा, समय वैसे भी बीत जाएगा। दुनिया का सबसे अजीब रहस्य यह है कि आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आपके चुने हुए क्षेत्र में प्रतिदिन 1 घंटे का अध्ययन आपको 3 साल के भीतर अपने क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंचा देगा। 5 साल के भीतर आप एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ होंगे। 7 वर्षों में आप जो करते हैं उसमें आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक हो सकते हैं। आपकी दुनिया इस बात की जीवंत अभिव्यक्ति है कि आप किस तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह उसका इस्तेमाल कर रहे थे। सफल लोग बिना समस्याओं के लोग नहीं होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को हल करना सीख लिया है। लगातार बने रहने से आप विश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं। दृढ़ता ही विश्वास का दूसरा नाम है। यदि आपके पास विश्वास नहीं होता तो आप कभी भी टिके नहीं रहते। अपने जीवन के हर मिनट का आनंद लेना सीखें। अभी खुश रहो। भविष्य में अपने आप को खुश करने के लिए अपने से बाहर किसी चीज का इंतजार न करें। सोचें कि जो समय आपको बिताना है वह वास्तव में कितना कीमती है। चाहे काम पर या अपने परिवार के साथ हर मिनट का आनंद और स्वाद लेना चाहिए। मुंह खोलने से पहले अपने कान खोलें, यह आपकी आंखों को चौंका सकता है। हम अपनी परिस्थितियों को हम पर शासन करने दे सकते हैं या हम अपने जीवन को भीतर से नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। तय करें कि आप किस बारे में सोचेंगे और किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप उस हद तक अपने जीवन के स्वामी हैं जिस हद तक आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी हम डरते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पर्याप्त नहीं जानते हैं। अगर हम पर्याप्त समझ गए होते तो हम कभी नहीं डरते। जो अंदर होता है वह हमेशा बाहर दिखाई देता है। लोगों के आपके लिए अच्छा होने की प्रतीक्षा करने का रवैया ना अपनाएं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ठंडे चूल्हे के सामने गर्मी का इंतजार ना करें। ईंधन डालें, पहले कार्य करें। ऊर्जा को खोलने वाली चाबी इच्छा है। यह लंबे और दिलचस्प जीवन की चाबी है। यदि हम अपने भीतर कोई प्रेरणा, कोई वास्तविक शक्ति निर्मित करने की अपेक्षा करते हैं तो हमें उत्साहित होना होगा। यही रहस्य है, दिलचस्प बनो। यदि आप दिलचस्प नहीं हो सकते तो चुप रहो। चुप रहने में कोई बुराई नहीं है। अचीवमेंट के लिए सिर्फ एक विजन काफी नहीं है, इसके लिए साहस, संकल्प और तप की आवश्यकता होती है। आपको बस इतना करना है कि उस बीज को अपने मन में बोना है, उसकी देखभाल करनी है, अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करना है और यह एक वास्तविकता बन जाएगी। एक महान दृष्टिकोण सफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि सफलता एक महान दृष्टिकोण का परिणाम है। सुरक्षा वह नहीं है जो बुद्धिमान व्यक्ति खोजता है, वह अवसर खोजता है। देखें कि बाकी सब क्या करते हैं, इसके विपरीत करें। बहुमत हमेशा गलत होता है। सफल लोग सपने देखने वाले होते हैं, जिन्होंने सपने को कल्पना के दायरे में रहने के लिए बहुत रोमांचक
बहुत महत्वपूर्ण पाया है। हर दिन हर घंटे वे अपने सपने की सेवा में तब तक मेहनत करते हैं जब तक कि वे इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते और इसे अपने हाथों से छू नहीं पाते। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं इसके बारे में बहुत अधिक चिंता ना करें, इसे पूरी तरह से अपने से बड़ी शक्ति पर छोड़ दें। आपको बस यह जानना है कि आप कहां जा रहे हैं। उत्तर अपने आप आपके पास आएंगे और सही समय पर। कभी प्रतिस्पर्धा ना करें, सृजन करें। समस्याएं रचनात्मक दिमाग के लिए चुनौती हैं। समस्याओं के बिना सोचने का कोई कारण नहीं होगा। किसी चीज में सफल और उत्कृष्ट बनने के लिए हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे बेहतर तरीके से करने के तरीके खोजने की जरूरत है। सफलता पैसे कमाने का परिणाम नहीं है, पैसा कमाना सफलता का परिणाम है और सफलता हमारी सेवा के सीधे अनुपात में है। अधिकांश लोगों को यह बात उल्टी समझ में आती है। उनका मानना है कि यदि आप बहुत पैसा कमाते हैं तो आप सफल हैं। सच तो यह है कि आप सफल होने के बाद ही पैसा कमा सकते हैं। जब दिन बहुत छोटे होते हैं, संभावना है कि आप अपने सबसे अच्छे तरीके से जी रहे हैं। हर सुबह अपने आप से पूछें, आज मैं अपनी सेवा कैसे बढ़ा सकता हूं। लोग वही हैं जहां वे हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां वे वास्तव में होना चाहते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। आपको केवल योजना, रोड मैप और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए साहस की आवश्यकता है। यदि ईमानदारी का कोई अस्तित्व नहीं होता तो इसका आविष्कार करना पड़ता, क्योंकि यह अमीर बनने का सबसे पक्का तरीका है। अपनी मन की आंखों में खुद की कल्पना करें कि आपने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो अपने आप को उन चीजों को करते हुए देखें जो आप कर रहे होंगे। सफलता की आदत को प्राप्त करने के लिए आपको केवल सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्येक दिन के प्रत्येक छोटे कार्य में सफल होने की आवश्यकता है। दूसरों के प्रति हमारा नजरिया ही हमारे प्रति उनका नजरिया तय करता है। अगर दूसरी तरफ घास हरी है तो शायद इसकी बेहतर देखभाल हो रही है। सफलता सामान्य ज्ञान के सिद्धांतों के एक सेट पर टिके रहने की बात है। जिसमें कोई भी महारत हासिल कर सकता है। सफलता एक योग्य लक्ष्य या आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। रचनात्मकता हमारे उत्साह का स्वाभाविक विस्तार है। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। जीवन के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। भाग्य तब होता है जब तैयारी अवसर से मिलती है। अवसर हमारे चारों ओर है। आप तैयार हो? हमारा पर्यावरण, जिस दुनिया में हम रहते और काम करते हैं, वह हमारे नजरिए और उम्मीदों का आईना है। तुम जो सपना देखने की हिम्मत करते हो वो सपना देखो। तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, वो बने जो आप होना चाहते हो। लक्ष्य आपकी पसंद के गंतव्य को दर्शाते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक स्वयं धनवान नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों को धनवान नहीं बनाता। आप आज और कल, अगले महीने और अगले साल क्या सोचते हैं, आप अपने जीवन को ढालेंगे और अपना भविष्य निर्धारित करेंगे।
आप अपने मन द्वारा निर्देशित हैं। विजुअलाइजेशन मनुष्य का भविष्य के लिए वाहन है। अच्छा, बुरा या उदासीन, यह शक्ति से हमारे नियंत्रण में है। इससे पहले कि यह हमारे पास आए, हमें सफलता को प्रसारित करना चाहिए। हमें पहले मानसिक रूप से, दृष्टिकोण से वो व्यक्ति बनना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं। आप जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वह है यह मानना कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई है। एक कैरियर की प्रेरक शक्ति व्यक्ति से आनी चाहिए। याद रखें, नौकरियां कंपनी के स्वामित्व में हैं। आप अपने करियर के मालिक हैं। जीवन में वास्तव में जो कुछ भी सार्थक है वह हमें मुफ्त में मिलता है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी बुद्धि, परिवार और दोस्तों तथा देश के प्रति हमारा प्यार, ये सभी अमूल्य संपत्ति निशुल्क हैं। हमेशा खुशनुमा रवैया रखें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर सुगंधित गुलदस्ता है। आपके पुरस्कार आपके योगदान की सीमा से निर्धारित होंगे, जो कि दूसरों के लिए आपकी सेवा है। आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल एक महान विचार आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। आत्मदया एक ऐसा तेजाब है जो सुख में छेद कर देता है। आपका जीवन कैसे बदलता है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपका दृष्टिकोण उस जीवन को बेहतर या बदतर करता है। यदि आपके पास सफलता के लिए कोई अच्छा मॉडल नहीं है तो बस यह देखें कि बाकी सब क्या कर रहे हैं और इसके विपरीत करें। पूरे इतिहास में महान बुद्धिमान व्यक्ति और शिक्षक, दार्शनिक और पैगंबर कई अलग अलग चीजों पर एक दूसरे से असहमत रहे हैं। केवल इस एक बिंदु पर वे पूर्ण और सर्वसम्मत सहमति में हैं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आप किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसके बैंक बैलेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आप दो चीजें जानते हैं, वह कौन सी किताबें पढ़ता है और कौन से लोगों के साथ वह संबंध रखता है। हम में से प्रत्येक अपने दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर अपने जीवन का निर्माण करता है। जहां कहीं खतरा है वहां अवसर छिपा है। जब भी अवसर होता है वहां खतरा मंडराता है। दोनों अविभाज्य हैं, वे एक साथ चलते हैं। अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से घुलना मिलना अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आवश्यक कौशल है। इसके साथ कोई व्यक्ति क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। हमें लोगों की जरूरत है, हमें दूसरों के सहयोग की जरूरत है। हम अकेले बहुत कम कर सकते हैं। समय का प्रबंधन नहीं किया जा सकता, मैं केवल गतिविधियों का प्रबंधन करता हूं। हर रात मैं कागज के एक टुकड़े पर उन चीजों की एक सूची लिखता हूं जिन्हें मुझे अगले दिन पूरा करना है, और जब मैं उठता हूं मैं उन्हें करता हूं। एक अकेला विचार आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, जैसा कि उसने मेरा किया। एक अकेला विचार आपको अमीर बना सकता है, या यह आपको जीवन भर के लिए कैद में डाल सकता है। आपकी दुनिया और इसमें सब कुछ आपके प्रति आपके मानसिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको केवल एक उत्पाद या सेवा का उत्पादन करना होगा जो लोगों को आपके द्वारा ली जाने वाली कीमत से अधिक मूल्य प्रदान करे। आप कितने अमीर होंगे यह उन लोगों की संख्या से निर्धारित होगा
जिन्हें आप उत्पाद या सेवा बेच सकते हैं। विचार मायावी, फिसलन भरी चीजें हैं। अपने बिस्तर के पास कागज का एक पैड और एक पेंसिल रखना सबसे अच्छा है, ताकि आप रात के दौरान उन्हें दूर जाने से पहले छुरा मार सकें। दूसरों के बुरे और संक्रामक रवैये को ना पकड़ें।